चिल्ली। इसी तरह कल रायपुर का बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट और नेताओं को पहनाए माला को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। लिखा है, भाजपा की दिक्कत यही है कि ना छत्तीसगढ़ को समझते हैं और ना ही परंपराओं को, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से इस वक्त की सामने आ रही है, नेताओं को जो हार पहनाए गए थे, माला पहनाई गई थी, उसको लेकर ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा की दिक्कत यही है, ना ही भाजपा को छत्तीसगढ़ समझ में आती है और ना ही उसकी परंपराएं, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। यहाँ भाजपा के एक नेता की ओर से ट्वीट किया गया था, जो मालाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं को पहनाई थी उनको लेकर, कि वो सोने की माला है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर इस ट्वीट को लेकर जवाब दिया है और भाजपा को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा की दिक्कत यही है, ना छत्तीसगढ़ को समझते हैं और ना ही उसकी परंपराओं को, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये भी लिखा है, अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने यही लिखा है कि भाजपा की दिक्कत यही है, भाजपा वालों को ना ही छत्तीसगढ़ समझ में आता है, ना ही छत्तीसगढ़ की परंपराएं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। उसके अलावा ये भी लिखा है कि अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पहले आपको ट्वीट बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है, भाजपा की दिक्कत यही है कि ना ही छत्तीसगढ़ समझ में आती है, ना ही यहाँ की परंपरा है, मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भाजपा के एक नेता ने ट्वीट करके कहा था कि सोने की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। उसको लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है, पलटवार किया है और मुहावरे के माध्यम से बताया है कि अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। जिस तरीके से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करते हुए बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा इन मालाओं में झलक रही है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है, नेताओं को पहनाए माला को लेकर उन्होंने ट्वीट कहा है किया है, और भाजपा की दिक्कत यही है कि ना छत्तीसगढ़ को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं को। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जो मालाएं पहनाई थी वो मास्क की थी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला, संचार प्रमुख कांग्रेस। सुशील आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा की ओर से एक ट्वीट सामने आया जहां पर सोने की माला बता दिया, जो कि बांस की मालाएं थी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत ही शानदार मुहावरे के साथ यहां पर अपनी बात रखी है। जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। जो पार्टी 15 साल तक इस प्रदेश में सरकार चला रही थी, उसको इस प्रदेश की संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि घास के और बांस के जो झुरमुट से बनाया जाने वाला ये माला है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हमारे आदिवासी भाई बनाते हैं, आदिवासी क्षेत्र के हाट बाजार में आपको माला दिखते मिल जाएगी, लोग बड़े प्रेम से सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका स्वागत करते हैं, ये हमारी परंपरा की झलक है। ये भारतीय जनता पार्टी की अज्ञानता बोलिए, मूर्खता बोलिए, या इनकी भूतता भी बोल सकते हैं आप, ये भी 15 साल, मैं नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन क्या करिएगा, ये फासीवादी क्षेत्र के लोग हैं, झूठ को परोसना जानते हैं। घास की बना फूस की बनी हुई माला को यदि ये सोने की माला बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इनकी मूर्खता आवाज हमारे
हमने अपने युवा इकाई के छात्रों को बोला है, साथियों को बोला है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में जाके सोने की माला पहुंचाइए, हमारे छत्तीसगढ़ के माझी पुत्रों के हाथों से, हमारे स्वर्ण पुत्रों के हाथों से बनाई गई हमारे घास रूपी स्वर्ण की माला है, इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताइए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझे हुए, छत्तीसगढ़ की धरोहर को समझे हुए, ये तो इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है जी। सुशील आनंद जी, क्या कुछ लगता है ये जो अधिवेशन हुआ है उसकी बौखलाहट बीजेपी की ओर से निकल रही है? इसको तय आप लोग करिए, ये आप जैसे प्रबुद्ध लोगों पर हम सोचते हैं कि यदि ये इस प्रकार की चीजें प्रचारित कर रहे हैं तो ये आपको तय करना होगा कि कौन कितना अस्तरहीन हो चुका है। जिस प्रदेश में जो 15 साल तक सरकार चलाया हुआ दल इतना नीचे स्तर तक गिर जाएगा कि घास की माला को सोने की माला बता के परोसा जाए, पहले सोशल मीडिया में किया, अब ऑफिशियल ट्वीट कर रहे हैं, ऑफिशियल बयान आ रहा है, ये तो मतलब परले दर्जे की निम्न हरकत है जी। सुशील आनंद जी, वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुहावरे के जरिए यहाँ पर अपनी बात रखी है, वही अडानी का नाम भी सामने लाया है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, दरअसल 15 साल तक इन्होंने घूसखोरी किया, देश की पूरी संपत्ति को अडानी के हवाले कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता, वही स्थिति है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको हर जगह भ्रष्टाचार दिखेगा। इन्होंने LIC बेच दिया, रेलवे बेचने में लगे हुए हैं, देखिए आप SBI LIC के पैसों को अडानी को सौंप दिया। आज देश की स्थिति ये है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का निवेश आज आधार में लटका हुआ, तो ऐसे मानसिकता के लोगों को यही नजर आएगा। जब सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करते तो कर पाते तो झूठ और भ्रम फैला के बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये इनकी सच्चाई है। आज कांग्रेस के अधिवेशन की सराहना देश दुनिया में हो रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 6 प्रस्ताव पारित किए हैं, उन प्रस्तावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल रही, जिस प्रकार से कांग्रेस के TWC में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और युवा वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिवेशन को बदनाम करने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकता है, उसे जनता को भी जवाब देना जी है। बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ पर हमारे साथ भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि नेताओं को पहनाए गए माला को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा की दिक्कत यही है, ना ही छत्तीसगढ़ को समझती है ना कि उसी की परंपराओं की, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, अडानी को भी बीच में ले आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अडानी के विषय में तो कांग्रेस को बोलने की बिल्कुल नैतिक भी कहीं उनकी जवाबदारी नहीं है, इसलिए कि जिस अडानी के साथ में लगातार डील इन्होंने किया है, पहले उसका जवाब दे दें, पहले जो डील किया है उसका जवाब दे दें, उसके बाद उसके कारण मतलब चोर चोरी करे और कोतवाल को डांटे तो ये तो संभव नहीं है, जो कांग्रेस हमेशा से करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है इनका जो दोहरा चरित्र है, जो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद, वो पब्लिक के सामने आ गया है। यहाँ पर 3 दिन जिस तरीके से लग्जरियस अधिवेशन, एक तरफ गरीबों की बात करते हैं, दूसरी तरफ से लग्जरियस, एक तरफ गरीबों के लोगों को PM का आवाज नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर लग्जरियस अधिवेशन हो रहा है, ये करें ना, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। और देखिए, भाजपा की बात नहीं है, जो जिस पार्टी की प्रासंगिकता ही समाप्त लगभग हो गई है पूरे देश में से, इनको थोड़ा फक्र है छत्तीसगढ़ का, कहीं दिक्कत नहीं है, यदि जनता ने इनको जनादेश दिया था उसका सम्मान कर रहे हैं, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन वो दिन भी अब दूर नहीं है जब 6-8 महीने के बाद यहाँ से भी इनकी रवानगी तय हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, भाजपा को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप गलत करेंगे तो उस पर नकेल कसी जाएगी। आम जनता के पैसों का दुरुपयोग यदि आप PWC की वर्किंग कमेटी करने के लिए और अपने नेताओं का महिमा मंडित करने के लिए और गांधी परिवार की चापलूसी करने के लिए करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। जी सुशील आनंद जी, सुना आपने संजय श्रीवास्तव की तरफ से जो बयान सामने आया? तो देखिए, इनमें साहस नहीं है जो झूठे आरोप लगाए उसका जवाब दे पाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसे एक जगलर के जादू में फंस चुकी है, जो नरेंद्र मोदी झूठ परोसता है ऊपर से नीचे तक इनकी पार्टी उसको परोसने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के झूठ, उनके तलवे चाटने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उससे आगे जा नहीं सकते। यदि ये सच्चा सच को सच बोलेंगे तो इनको मोदी की टैबुक पर लेंगे, इनको भारतीय जनता पार्टी नहीं देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से मोदी और शाह की चाटुकारिता में जुटे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं समझते, छत्तीसगढ़ के घास की माला को नहीं समझते। 15 साल तक रहे, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इन्होंने तिरोहित करने का काम किया है और आज जब हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, 15-15 हजार जो हमारे प्रतिनिधि आए थे उनको यदि हमने
घास की माला से उनका स्वागत किया जिनके पेट में दर्द हो रहा है, कि 15 साल तक इन्होंने उसको क्यों छुपा के रखा था। आज चर्चा हो रही है ना कि आदिवासियों के द्वारा एक ऐसी माला बनाई जाती है जो स्वर्ण आभूषण से भी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। इनके ऑफिशियल इनके ट्वीट में आता है कि सोने की माला परोसी गई, ये मतलब इनके निम्न स्तरीय मानसिकता का परिचायक है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर संस्कृति की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात हो रही है। भूपेश सरकार की ओर से यही बात सामने आ रही है कि वो लोग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सारी चीजें करते हैं। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पैसा बहा रही है।